पकड़ के चलाना। गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर ही नहीं अंदर तो। Look at this. Check out my baby man. Wow, Tony, superb. यार वो कहते हैं ना, old is gold. You're right, man. Old is gold. लेकिन हमारा ये baby गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा पीस देखने को कहीं मिलता है क्या? सही बात। टोनी, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है यार। भी कम ऑन मैन, अरे तुम जाने की बात करता है? अपुन तुमको लेके चलता है, वो भी डायरेक्ट टेस्ट ड्राइव पे खंडाला। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया टोनी? अरे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। कम ऑन मैन, यू आर नॉट ओल्ड, बुढ़ा नहीं हो गया तुम। नहीं, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम, एक दो मीटिंग्स लेनी है। अरे मीटिंग छोड़, आउटिंग की सोच। अपन यहाँ से सीधा राज के पास चलता है, उसको वहां से उठाता है, उसके बाद तू, मैं और राज डायरेक्ट इस बेबी में खंडाला। क्या बोलता है? हम सोनी, हे कम ऑन कम ऑन। ओके, आ कब कब कब। आई प्रॉमिस यू मैन कि हम तुम्हारा ये ट्रिप मेमोरेबल बना देगा। ट्रस्ट मी। वैसे यार गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा चलती तेज नहीं, मतलब थोड़ा स्लो है। ये विंटेज कार है, स्लो ही चलती है। हाँ यार, थोड़ी सी कम है वो, हमारे पंजाब में तो साइकिल बड़े तेज चलते हैं। I mean, यार पंजाब की बात ही अलग है जी। टोनी क्यों हो गया भाई? पूरा मान गया यार। तुम लोगों का स्टूपिड बातें सुन सुन करना हमारा भेजा फ्राई हो गया। सोच रहा हूँ चाय पी लो। सुनना यार टोनी। तीन चाय देना मैन। अच्छा सुनो, मैं वाइफ से बात करके आता हूँ। जल्दी हाँ, और कड़क बनाना। Get it back!
क्या किया तूने? I know, Mr. Pathak. Tony को बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. हमारा हार्ट बोलता है टोनी बेगुनाह है. प्लीज हेल्प हिम. देखो जूली, टोनी के केस की स्टडी की है मैंने और मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ. मुझे भी लगता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है. मेरे होते हुए कोई उसको दंडित नहीं कर सकता. तुम जाओ, घर जाके विश्राम करो. चिंता मत करना, मैं हूँ. थैंक यू सो मच. फौरन छोड़ो. सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये केस काफी क्लियर है. टोनी ड्राइविंग सीट पर था और उसी की गाड़ी से पवन का एक्सीडेंट हुआ और पवन मर गया. सो ऑब्वियसली किलर तो टोनी ही हुआ ना. अय्या, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं. सॉरी है टोनी, हत्यारा हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर दुर्घटना के समय गाड़ी एक फीट आगे गई होती तो टोनी स्वयं स्वर्ग सिधार गए होते. कुछ और ही है, पता लगाऊंगा. हम सच बोल रहे हैं मिस्टर पाठक. वो गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गया और उसके बाद उसने गाड़ी अपने आप क्यों चल रही है. और मैं अचानक बेहोश हो गया. आप समझ रहे हैं मिस्टर पाठक हम क्या समझाना चाहते हैं आपको. मैं नहीं नहीं समझ रहा हूँ कि घड़ी अपने आप कैसे स्टार्ट हो सकती है. लेकिन जो भी हो, मुझे विश्वास है कि यह हत्या आपने नहीं की. इस विषय में कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे. आप पूछिए जो पूछना चाहता है. हम आपकी सारी बातों का जवाब देगा. पूछिए. आपके और आपके जो भागीदार थे कौन सा, आप दोनों के बीच में कैसे संबंध थे. मिस्टर पाठक, हमारा और उसके बीच में सब परफेक्ट ही था. टोनी साहब, संभवतः आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा कि मैं दोनों को नहीं छोड़ता, निर्दोष को भी नहीं और दोषी को भी नहीं. तो ठीक ठीक बताइए, मेरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए. कैसे थे संबंध आपके और पवन के बीच. हाँ, हमारे बीच कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा था. प्रॉब्लम कैसा, कष्ट कैसी, तकलीफ, विस्तार में बताइए. 10 साल से हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे लेकिन अचानक हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया. तो हमने और पवन ने मिलकर डिसाइड किया कि हम दोनों बिजनेस अलग अलग कर लेगा. लेकिन अभी पिछले वीक हमको पता चला कि वो पवन हमसे अलग होने से पहले हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करना चाहता है. अगर आपको कंपनी का बड़ा शेयर चाहिए तो आपको टोनी पर एक झूठा केस करना ही होगा. यही बात हम बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में आकर हमसे एक बहुत 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 बड़ा मिस्टेक हो गया मिस्टर पाठक. लोगों के लिए गद्दारी का बदला गद्दारी से ही पूरा होता है और टोनी जी ऐसे इंसानों में से एक है क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त कम बिजनेस पार्टनर पवन जी की हत्या करी क्योंकि उन्होंने उनके साथ. हमने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा हमने. आप कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं है कि जो आप बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलेंगे, राइट? योर ऑनर, टोनी जी और पवन जी बहुत ही अच्छे दोस्त कम बिजनेस पार्टनर थे लेकिन आपसे मतभेद की वजह से इनके बीच में नफरत दिन पर दिन बढ़ती गई और एक दिन टोनी जी के गले में पवन जी हड्डी बनकर अटक गए. लेकिन ये कोई प्रॉपर किलर तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने हत्या इस तरीके से करी ताकि सबको वो लगे कि वो एक रोड एक्सीडेंट था. क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मानता हूँ कि ये सत्य है कि इन दोस्तों के बीच में आपसी मतभेद था किंतु ये हत्या का कारण नहीं है. गाड़ी में आई या तकनीकी खराबी के वजह से सड़क दुर्घटना घटी है. योर ऑनर, ऐसा कुछ था ही नहीं क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कार की पूरी जांच की गई और उनको तो गाड़ी में ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नजर ही नहीं आई. योर ऑनर, मेरे मोकिल टोनी जी एक बड़े और सफल उद्योगपति हैं.
कई व्यवसायिक योजनाएं इन्होंने बनाई हैं जो सफल रही। अगर किसी की हत्या करना चाहते थे ये, तो कोई ऐसी योजना बनाते जिसके चलते आरोप इन पर नहीं आता। सोचने वाली बात यह है यारों कि रोड दुर्घटना में गाड़ी जहां रुकी वहां से अगर एक फीट आगे चली होती तो इनके प्राण जा सकते थे। ये अपने प्राण संकट में क्यों डालेंगे? मिस्टर पाठक, बड़े बड़े साधु संत भी गलती कर बैठते हैं और आपके क्लाइंट से भी वही गलती हुई। योरोनर, दिस वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर और इसको साबित करने के लिए यहाँ पर मैं इनके ड्राइवर सचिन को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? सचिन जी, यहाँ पर आप सबको बताएंगे कि टोनी जी ने उस दिन आपसे ऐसा क्या कहा था जो आपको इतना शॉकिंग लगा था। ए सचिन, लाओ नई वाली गाड़ी की चाबी दो। आप गाड़ी लेके जाएंगे साहब? क्यों, क्या हुआ? पर आपको तो डॉक्टर ने गाड़ी चलाने से मना किया है। तुम डॉक्टर मत बनो, गाड़ी की चाबी दो और आज तुम्हारी छुट्टी। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ऐसा बहुत कम होता है कि साहब गाड़ी चलाते हैं और जल्दी छुट्टी दे दे। थैंक यू सो मच सचिन जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, डॉक्टर ने टोनी जी को गाड़ी चलाने से मना किया था और इन्होंने गाड़ी चलानी छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर अचानक उस दिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी जो ये खुद गाड़ी चलाने गए? इसे एक बात तो साफ साबित हो ही जाती है योर ऑनर कि इनके मन में पहले से ही कोई ना कोई ऐसी चाल चल ही रही थी। एक बार फिर मैं मिस पुरी की बात से सहमत नहीं हूँ योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि ये राय का पहाड़ बना रही है। हम सब ये जानते हैं कि टोनी साहब को अपनी गाड़ियों का कितना शौक है और बड़ी मुद्दत के बाद इन्हें अपनी मनपसंद गाड़ी मिली तो ये अपनी गाड़ी का ट्रायल लेना चाहते थे योर ऑनर। मुझे नहीं लगता इस बात को इतनी गंभीरता से लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं लेते गंभीरता से, लेकिन क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि टोनी जी पवन जी के साथ घूमने क्यों गए थे, स्पेशली ये जानने के बाद कि पवन जी ने इनको करोड़ों का नुकसान पहुंचाया बिजनेस में? ये तुम क्या कर रहे मैन? हम पवन के साथ घूमने इसलिए गया था क्योंकि उसका और हमारा बीच में जो डिफरेंसेस है उनको सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि उसका वाइफ और हमारा वाइफ ने हमको समझाया था कि सालों का दोस्ती इस तरह तोड़ा नहीं जाता, दोस्ती सबसे बड़ा चीज होता है, इसीलिए हम घूमने गया था। ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने मिस्टर टोनी की, दोस्ती बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि ये दोस्ती होने के बावजूद भी पवन जी ने आपके ऊपर केस क्यों ठोका था, वो भी धोखाधड़ी का, फ्रॉड का, आपके बिजनेस में? तो आप कहां की दोस्ती निभा रहे थे टोनी जी? योर ऑनर, उस वक्त क्या हुआ ये मैं बताती हूं आपको। और इस तरह योर ऑनर, एक दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया गया। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जब ये गाड़ी चला रहे थे कितनी गति थी गाड़ी की? What nonsense, Mr. Patel. ये सब मुझे कैसे पता होगा? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? Exactly, यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने इस कहानी का वर्णन किया ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं वहाँ उपस्थित थी टोनी साहब के बगल में उसी गाड़ी में। Order, order. मिस्टर पाठक, आई डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर लाइक यू। इसलिए मैं यहाँ पर चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इस हत्या को होते हुए देखा है। मिस्टर पाठक, देखा है? चश्मदीद गवाह है? और वो और कोई नहीं बल्कि इन दोनों के तीसरे पार्टनर मिस्टर राज। राज जी, जरा बताइए सबको कि उस दिन हुआ क्या था। ओ जी, उस दिन आई कांट बिलीव इट, तुम भी हम पर शक कर रहे, तुम्हें भी लगता है कि हमने मारा इसको? लगना या ना लगना तो बहुत ही दूर की बात है टोनी जी, लेकिन हाँ योर ऑनर, एक चीज साफ हो चुकी है राज जी की गवाही से कि खूनी कोई और नहीं बल्कि टोनी जी ही है। राज जी, कितने वर्षों से जानते थे आप पवन जी को? जी हम कॉलेज के दोस्त हैं। अच्छा, कॉलेज के जमाने की मित्रता और फिर व्यवसाय में भी बराबर की हिस्सेदारी। प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे यूं ही कि अगर एक हिस्सेदार, एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है और उसके आरोप में दूसरे भागीदार को दंड मिल जाता है, वो जेल चला जाता है, तो
सबसे अधिक लाभ तो फिर तीसरे भागीदार का ही हुआ जो आप हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पवन जी की हत्या से बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। किंतु बाकी सब तो 100 मीटर की दूरी 10.4 सेकंड में पूरी तो नहीं कर सकते जैसा कि आपने किया। अब आप ही का स्थापित किया हुआ कीर्तिमान है ये कॉलेज के जमाने का, जो हमने पता लगाया है। सुना है कि आप क्लब में आजकल भी प्रतिदिन सवेरे आप अभ्यास करते हैं दौड़ने की। बात सही है कि मैं इस गति इस रफ्तार से दौड़ सकता हूँ, और सुबह में जाता भी हूँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दौड़ने के लिए, लेकिन पिछले एक महीने से मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? ये देखिएगा, आप दौड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। राजी की ये चोट देखकर अब तो साबित हो चुका है, ना तो ये भाग सकते हैं, ना ही ये चलती गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो हमें ये मानना होगा, क्योंकि इन्होंने आंखों से देखा है कि खून टोनी जी ने ही किया है। नहीं, मान लें, क्यों मान लें, किस आधार पर मान लें, कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। तब आपने निश्चित रूप से टोनी साहब को पवन की हत्या करते हुए देखा? हाँ जी, मेरा मतलब है कि टोनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी जाके पवन से टकराई। कहाँ थे आप? मैं गाड़ी के पीछे। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, मैं एक योर ऑनर, मैं एक प्रयोग करना चाहूंगा अदालत में इनकी बात की पुष्टि करने के लिए। अनुमति। तो ये गाड़ी आकर के यहाँ रुकी, आप लोग उतरे चाय पीने के लिए, विश्राम करने के लिए, फिर क्या हुआ? सर, उसके पश्चात क्या हुआ कि पवन जो है फोन पे बातें करता करता आगे क्लिफ की तरह चला गया, तो टोनी जाकर गाड़ी में बैठ गया और मैं गाड़ी के पीछे था, और जैसे ही गाड़ी चली आगे जाके पवन को टकरा दी। तो मतलब ये ऐसा ऐसी घटना घटी थी, गाड़ी यहाँ से आई और यहाँ थी गाड़ी, आप इतनी दूरी पर थे गाड़ी के? मैं 15 फीट की तकरीबन 15 फीट की दूरी पर थे। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था। बिल्कुल, अप्रॉक्स 15 फीट की दूरी पर। अब टोनी गाड़ी में बैठ गया तो टोनी को हम लोग साइड में रखते थे जी। आपका कद कितना है? सर, मेरा कद 6 फीट 2 इंच। ठीक है, आप जाइए, मैं समझाता हूँ जज साहब। योर ऑनर, जैसा कि राज साहब ने दर्शाया हमें यहाँ, 15 फीट की दूरी से 6 फीट की ऊंचाई से गाड़ी के अंदर देख रहे थे, तो 40 डिग्री के कोण से देख रहे थे योर ऑनर। ऐसे में संभव ही नहीं है कि वो पहचान सके कि गाड़ी कौन चला रहा। इस समीकरण में योर ऑनर पूरी संभावना बनती है कि टोनी गाड़ी नहीं चला रहे थे, कोई और गाड़ी चला रहे थे जिसे राज साहब पीछे से देख नहीं पाए। क्या लगता है आपको राज साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने टोनी साहब को गाड़ी चलाते हुए देखा, लेकिन संभव है कि आपको दिखाई ना दिया हो, देखने में गलती हुई हो, गाड़ी कोई और चला रहा था, टोनी साहब नहीं? मेरा मतलब है कि टोनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी जाके पवन से टकराई, लेकिन आपने टोनी साहब को पीछे से गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि पीछे से तो दिखता नहीं है यार। योर ऑनर, बहुत बहुत गड़बड़ है यहाँ। योर ऑनर, ये साफ हो चुका है कि टोनी जी ही वो गाड़ी चला रहे थे, और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तब टोनी जी सीट पर थे, लेकिन बीच के 2 मिनट में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चलती गाड़ी में जाकर बैठ गया। योर ऑनर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसी अदालत में हमने ऐसी कई घटनाएं घटते हुए देखी, ऐसे कई मुकदमे आए हैं जो सोच के परे थे। योर ऑनर, तो संविधान कहता है कि कच्चे पक्के सबूतों के आधार पर किसी को हत्यारा नहीं ठहराया जा सकता। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि हमें एक हफ्ते की मोहलत दी जाए इस केस में आगे छानबीन करने के लिए। अदालत केडी की बातों से सहमति रखती है, लेकिन हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से एक हफ्ते की मोहलत देना संभव नहीं है, इसलिए ये अदालत केडी को छानबीन के लिए 2 दिनों का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि टोनी के कथन के अनुसार गाड़ी ने गति तब पकड़ी जब टोनी गाड़ी में बैठा, किंतु जब वो गाड़ी में नहीं था, गाड़ी धीमी गति से चल रही थी। मतलब सर? मतलब ये कि
उस गाड़ी का नियंत्रण जो कर रहा था वो चाहता था कि टोनी उस गाड़ी में बैठे। तभी प्रारंभ में गाड़ी की गति धीमी थी, उसके बैठने के बाद फिर तेज हो गई। काम करो, उस गाड़ी के इतिहास के बारे में पता लगाओ, कहां से आई, किसकी थी, गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ, और टोनी और पवन के अतीत के बारे में पता लगाओ, उनके संबंध के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करो। जी सर। मुझे लगता है जिसने भी ये किया है वो न केवल पवन को मारना चाहता था, टोनी को सत्या के आरोप में फंसाना भी चाहता था। स्पष्ट है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को बहुत निकट से जानता था। सचिन जी, जानकारी मिली है कि आप न केवल टोनी साहब की गाड़ी चलाते थे, साथ में घर के अंदर भी साफ सफाई इत्यादि बाकी के काम भी करते थे। हाँ सब। घर के अंदर रहते थे तो आप टोनी साहब और इनकी पत्नी जूली जो है उनके बीच के संबंध के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। रिश्ता होता तो समझते साहब, हमें तो इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नजर नहीं आता। अच्छा, क्यों? हर रोज लड़ाई झगड़ा, बस। ओह गॉड, आई एम फेड अप। गॉड बोलता है तुम? गॉड को याद करता है? तुम्हारा गॉड सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। और जूली, तुमने हमसे सिर्फ पैसा के लिए शादी किया है। एक वाइफ होकर अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगेगा तो नेवर लोग से मांगेगा। पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। और तुम्हें अपने बुटीक के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए हमसे? 1 करोड़? तुम हमको बोलता था काम करो, काम करो। अब हम काम करने का मन बना रखा है तो काय को सपोर्ट नहीं करता है तुम? व्हाई? किसने मना किया है काम करने के लिए? लेकिन हमारा पैसा से नहीं, अपना कैलिबर से। हम तुमको 1 करोड़ रुपए नहीं देगा तो नहीं देगा। ओके मिस्टर टोनी, तुम हमको अपना मर्जी से पैसा नहीं देगा। तुमसे पैसा निकालना हमको अच्छी तरह से आता है। Understand? तो निकलवा लेना, ट्राई करके देख लो। बात करता है। फिर ऑनर, सबसे बड़ी बात, अगर जूली जी को पैसे का लालच होता ही तो वो पवन जी को क्यों मारती? मारना तो उन्हें टोनी जी को चाहिए था, क्योंकि टोनी जी की डेथ के बाद सारी धन संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके नाम ऑटोमेटिकली हो जाता। यही तो पूरा खेल है योर ऑनर। टोनी साहब की वसीयत के अनुसार अगर इनकी मृत्यु हो जाती तो इनका पूरा धन, इनकी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को चली जाती है योर ऑनर। इसीलिए इन्हें न मारकर, इन्हें जीवित रखकर, दंड दिलवाकर, कारागार भिजवाकर, फिर जूली इनके पूरी धन संपत्ति को हत्याना चाह रहे। That's all rubbish, Mr. पाठक। और झगड़े कौन से कपल्स में नहीं होते? और आप तो जानते हैं ना ऐसे लोगों को, you know these drivers, maids, staff, इनको गॉसिप करना बड़ा पसंद है। हम दोनों के बीच सब नॉर्मल था। अच्छी बात है। ये जानती हैं क्या है? Yeah, of course. फोन रिकॉर्ड सर, किसी के? किसी के? देखिए आपका नाम लिखा हुआ है इस पर। ये एक मैंने इस पर एक नंबर अंकित किया है, क्या आप बता सकती हैं ये नंबर किसका है? देखिए यहाँ 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 यहाँ, विशेष नंबर। I'm sorry, no. जरा अपनी सोच पर जोर डालिए, देखिए कितनी बार फोन आया है, आपको पता तो होगा कि कौन फोन करता है इस नंबर से। Oh, yes, याद आया। याद आया? ये वो एक टेलीमार्केटिंग गाय, यू नो वो जो कॉल्स करते रहते हैं, होम लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इस नंबर ने तो परेशान करके रख दिया। अच्छा, लगता तो नहीं है आपके बिल को देखकर। देखिए रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, देर रात में, घंटों बात हुई है आप इस, बड़ा दिलचस्प टेलीमार्केटिंग वाला होगा। योर ऑनर, मैं इस टेलीमार्केटिंग वाले का नंबर लगाकर इससे वार्तालाप करना चाहूंगा, पता लगाना चाहूंगा कि क्या है उसमें इतना दिलचस्प। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी से ज्यादा देर बात कर लेने से या फिर किसी को ज्यादा मैसेजेस भेज देने से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध है या फिर कोई ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। योर ऑनर, मैं सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, आवश्यक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। धन्यवाद।
अद्भुत बात है, आपका ये टेलीमार्केटिंग वाला मित्र और कोई नहीं, राज साहब हैं, आपके पतिदेव के घनिष्ठ मित्र, उनके व्यवसाय के भागीदार, जिसके साथ आपका योर ऑनर, इनका एक झूठ तो पकड़ा ही गया है, अब दूसरे झूठ पर मैं जरा रोशनी डालना चाहूंगा। प्रारंभ से ही मुझे राज साहब पर शंका थी, किसी प्रकार से वो उस गाड़ी में घुसे, उन्होंने टोनी को बेहोश किया, जिसके पश्चात उन्होंने पवन की हत्या की। और केवल इतना ही नहीं, ये भी जानता हूं मैं कि ये योजना जो थी राज और आपने साथ में मिलकर बनाई थी। मैं इंसिस्ट करूंगी कि पवन के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टोनी और तुम उस आउटिंग पर जाओ। और फिर मौका पाते ही मैं एक तीर से दो निशाने करूंगा, उस तरफ पवन की हत्या और इस तरफ टोनी को सजा। इसके बाद हम तुम पैसा। I'm sorry. Tony, I'm really sorry. मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मिस्टर पाठक, था मेरा अफेयर राज के साथ, बट वो पवन के एक्सीडेंट के कुछ दिनों पहले मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया था। I'm sorry, राज, लेकिन इस गिल्ट के साथ मैं और नहीं जी सकती। अरे, मैं अपना चेहरा आईने में नहीं देख पा रही हूँ। हाई, मैं टोनी को और धोखा नहीं दे सकती। उसके बाद 2-3 दिन तक राज और मैं कांटेक्ट में नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इस अफेयर के कारण राज और टोनी के दोस्ती में दरार आए। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि राज, पवन और टोनी अपने बीच के सारे प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस जो भी है वो सॉल्व कर दे। इसीलिए तो मैंने इंसिस्ट किया था कि वो लोग इस आउटिंग पर जाए। मिस्टर पाठक, अगर मुझे अपने हस्बैंड को फंसाना था तो मैं कभी उनका केस लेकर आपके पास नहीं आती। मैं राज के साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ मिस्टर पाठक, बिलीव मी, आई स्वेयर। मिस्टर पाठक, आई एम सो सॉरी, आपकी ये आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। लेकिन हाँ, अगर अदालत में कोई और बच्चा है जिसे आप कटघरे में बुलाना चाहते हैं, जिस पर आपको शक हो, आप उसे बुला सकते हैं। प्लीज, आपके सुझाव के लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। योर ऑनर, अबरोल साहब हैं जो इस प्रकार की विंटेज गाड़ियों के चहीते हैं, जो काफ़ी काम भी करते हैं इन्हें ठीक ठाक रखने के लिए। अबरोल साहब को मैं बुलाना चाहूँगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। अबरोल साहब कैसे हैं? ठीक हूँ। थोड़ा मूड आपका खराब होगा मैं जानता हूँ, क्योंकि जो विंटेज कार ये मेरे मुकिल ने खरीदी, वो पहले आप खरीदना चाह रहे थे, किंतु बात कुछ बनी नहीं, क्यों? विंटेज गाड़ी आपके हाथ में आई नहीं। ये सच है। वो दरअसल नीलामी वाले दिन हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए उस गाड़ी को खरीदने के लिए हम टाइम से पहुंच नहीं पाए। एब्रोल जी, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई, वो आज 1910 की विंटेज गाड़ी की नीलामी जो है। नीलामी तो कब की खत्म हो गई? और वो कार टोनी डिसोजा ने खरीदा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो गाड़ी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अधिक क्रोध आया होगा आपको। हाँ, गुस्सा तो आया था, और इस गुस्से के चलते आपने टोनी साहब को हानि पहुंचाने का प्रयास किया होगा। व्हाट नॉनसेंस, गुस्सा तो किसी भी आ सकता है योर ऑनर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई किसी न किसी को मारता फिरे। योर ऑनर, एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि अबरोल साहब ने हत्या नहीं की, किंतु इनके सर पर क्रोध सवार था, क्रोध के कारण इनके सर में खून सवार था। नहीं, आपने धमकी दी थी ना टोनी साहब? अपन ये कार तुमको नहीं देने को सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों कहा? कार नहीं बेचेगा? अगर तू मुझे कार नहीं बेचेगा तो मैं तेरी कार का वो हशर करूंगा कि तू रोते रोते मुझे खुद कार देने आएगा। ठीक है, ट्राई कर लो। हाँ सर, ये सच है, मुझे गुस्सा आता है और मुझे अपने गुस्से पर काबू भी नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का मर्डर करूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि मैं अपने उस गुस्से की बीमारी के लिए
डेली मेडिसिन मिलेगा। हाँ 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 हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। देखिए अच्छा हुआ अबरोल साहब आपने याद दिला दिया। ये जानकारी प्राप्त हुई है अबरोल साहब कि पिछले 15-20 दिनों से वो जो दवा है जो आप लेते हैं वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। और डॉक्टर टंडन से ये भी पता लगा है कि अगर आप ये दवा ना लें तो आपके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए असंभव हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या नहीं? हो सकता है अगर ये दवा आपने ली होती तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाते, किंतु ये दवा आपने नहीं ली थी जिसके चलते आपने टोनी की हत्या करने का प्लान बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश रोहन की जान चली गई। रोना, ये सरासर बेबुनियाद बात है। अबरोल जी के बारे में आप तहकीकात करवा चुके, और पवन जी की जब मौत हुई थी तब उस वक्त ये अपने घर में मौजूद थे। योर ऑनर, कौन कहता है कि घर बैठे बैठे ये कार्य नहीं हो सकता? ये मेरे पास यहाँ एक ये योर ऑनर एक आधुनिक यंत्र है जिससे किसी भी गाड़ी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये यंत्र हमें छानबीन के समय अबरोल साहब के गैरेज से मिला। क्या ये सही नहीं है कि ये जो सेंसर्स है, ये यंत्र है, ये आपने घटना के घटने के एक दिन पहले ही कोरिया से मंगवाए थे? पुलिस को वो छानबीन के दौरान जरूर बरामद होते। योर ऑनर, दुर्घटना के बाद सेंसर निकाले भी जा सकते हैं क्योंकि पवन जी की हत्या हो चुकी थी और टोनी बेहोश था। निकाले जा सकते हैं या निकाले गए हैं में बहुत फर्क होता है मिस्टर पाठक। टोनी जी ने हत्या की होगी और टोनी जी ने हत्या की है, इसमें भी बहुत अंतर है मिस पुरी। सर, मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि मैं ऐसी विंटेज गाड़ी के साथ कभी छेड़खानी नहीं करूंगा। वो गाड़ी मेरे पास नहीं आई तो उसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब मैं उसके लिए किसी का खून थोड़े ना कर दूंगा। और सर, वैसे भी इतनी बढ़िया विंटेज गाड़ी के अंदर वो सेंसर लगा के मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कभी भी। और सर, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि ये सच है कि मेरी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सर एक हफ्ता पहले ही मैंने उसका अल्टरनेट मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया है। सर, ये देखिए, ये है उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये और उसी डॉक्टर का है, देखिए। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। कार्रवाई शुरू की जाए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी को देना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं ड्राइवर सचिन साहब को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। सचिन, ये क्या है? जी, कोई डिग्री वगैरह है? नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ये कोई डिग्री नहीं है, बड़ी विशेष डिग्री है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक, वो भी प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास। अरे, इस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है, सचिन शिंदे। आपने बताया नहीं पहले कि आप एमटेक में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, क्या बात है क्या? योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार इसकी पुष्टि कर ले कि ड्राइवर की कितनी तनख्वाह है।
8,000। प्रथम श्रेणी में एमटेक पास करने के बाद आपने ड्राइवर की नौकरी की, थोड़ा विचित्र लगा मुझे। क्यों क्यों ऐसा? जी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे नौकरी कर सकता हूँ, मुझे गाड़ियाँ चलाने का शौक है। मुझे लगता है आपके शौक केवल गाड़ियाँ चलाने तक सीमित नहीं है, और भी कई शौक हैं आपके। आइए आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, सर्विसिंग के लिए लेकर गए थे आप टोनी साहब की गाड़ी को ये क्या के 4 दिन पहले गैरेज लेकर गए थे आप? लेकर गए थे या नहीं? जी आप लेकर गए थे, टोनी साहब ने कहा था आपको सर्विसिंग करवाने। जी केवल सर्विसिंग करवाने कहा था। जी। अच्छा ये क्या है बता सकते हैं हम? जी मुझे नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता जबकि गाड़ी में आप ही ने लगवाया था, और गैरेज के जिस मैकेनिक से मेरे सहायक ने बात की उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, पुलिस को कथन दी है कि आप ही ने लगवाया था। जी हाँ वो याद आया, ये तो वो स्विचर है सीएनजी का। टोनी साहब क्या आपने अपने वाहन चालक से कहा था सीएनजी लगवाने को विंटेज गाड़ी में? सीएनजी इन विंटेज कार? नो, उन्हें तो आपसे कुछ ऐसे सीएनजी लगवाने को कहा नहीं था, फिर क्यों लगवाया आपने? जी वो पेट्रोल महंगा हो गया था तो मैंने सोचा सीएनजी की टंकी डलवा दूं। क्या बात है क्या बात है, कितनी चिंता है आपको अपने मालिक की। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है योर ऑनर, ये स्विचर, ये 3 तरफा स्विचर है, केवल पेट्रोल टू सीएनजी नहीं है, और भी किसी काम में आता है। और विशेष बात यह है योर ऑनर कि ये स्विचर हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है, इसे विशेष रूप से कोरिया से मंगवाना पड़ता है, और इसे आने में 3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं योर ऑनर। तो आपने 3 हफ्ते पहले ये स्विचर मंगवाया था ये सोचकर कि गाड़ी में अब लगवाएंगे। अब मैं तो समझ गया हूँ कि आपने ये स्विचर क्यों लगवाया, आपका उद्देश्य क्या था, और इस स्विचर द्वारा आप क्या करना चाहते थे, आप बताना चाहते हैं न्यायाधीश महोदय को कुछ? बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है मिस्टर पाठक। आपके इस दावे को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास कोई दलील है क्या? योर ऑनर मैं मिस पुरी के प्रश्न का उत्तर दिए देता हूँ। ये जो स्विचर है ये विशेष रूप का स्विचर है योर ऑनर। इसे तीसरी तरफ ऑन करने से गाड़ी के सारे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है योर ऑनर, वो फेल हो जाते हैं, और गाड़ी को एक अलग पैनल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैसा ही इन्होंने किया, आगे बम्पर पर एक कैमरा लगाकर ताकि आगे का देख पाए योर ऑनर, डिक्की के अंदर बैठकर ये अलग कंट्रोल पैनल से गाड़ी को नियंत्रित कर रहे थे, और टोनी के बेहोश होते ही इन्होंने पवन की जान ले ली, पवन को मारा और टोनी जी को इसके आरोप में फंसा। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक आपने इस हाईटेक मर्डर की कहानी तो बहुत ही बढ़िया बनाई, लेकिन सचिन ऐसा क्यों करेगा? अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये देखिए ये रहा कारण, समझाता हूं। ये बता सकते हैं कौन कौन है इस चित्र में? जी वो टोनी जी और उनकी पत्नी। और ये जो व्यक्ति पीछे खड़े हुए हैं ये कौन है? जी पता नहीं पता नहीं। अब देखिए मुझे लगता है कि ड्राइवर का पोशाक पहना है तो ड्राइवर ही होंगे। जी किंतु विशेष ध्यान दीजिए यहाँ इस बच्चे पर, ये बच्चा कौन है? जी मुझे कैसे मालूम होगा? आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि इस बच्चे ने वही लॉकेट पहनी है जो आपने पहनी, जिसका अर्थ ये होता है कि ये बच्चा आप ही है। जी हाँ। अब आगे की कहानी आप बताएंगे या मैं और बताऊं? मैंने कार के इंजन में इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स लगवाए थे, और मैं ही कार की डिग्गी में बैठकर कार को अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहा था।
ऑर्डर, क्योंकि मैं इस टोनी का ये डरा हुआ इस सहमा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। इस तरह इसने मेरे पिताजी के साथ अच्छा नहीं किया साहब। ठोक दिया मेरा गाड़ी, मेरा गाड़ी ठोक दिया। तेरे को मालूम है कितना महंगा गाड़ी है वो, तेरा साथ पूछते लग जाएगा तब भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा तू। चल तेरी नौकरी खलास, निकल यहां से, निकल यहां से। आउट। माफ करिए मालिक, माफ करिए। क्या हुआ, कुछ बच्चे बीच में आ गए थे मालिक, तो उन्हें बचाने के लिए मुझे गाड़ी को जल्दी से घुमाना पड़ा। बच्चे बीच में आ गए थे तो बच्चों पर गाड़ी चला देता, मेरी गाड़ी क्यों ठोकी तूने? मालिक इस बार ध्यान दीजिए, इस बार ध्यान दीजिए, प्लीज कुछ तो दिया कीजिए मालिक। पाप है वो मेरा और इस सहमान की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। खुदकुशी कर ले बेचारे बाबा ने। दस साल तक इस टोनी की नमक लाली करने के बावजूद को सबके सामने धक्के मार मार के काम से बाहर निकाल दिया। मायूसी और भिखारी ने उन्हें शराब की लत लगा दी। वो जिंदगी से हार चुके थे, आखिर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने अपनी जान ले ली और मैं दर दर की ठोकरें खाकर एक यतीम की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया। उसी दिन मैंने कसम खा ली कि स्टोनी को भी उसी दर्द का एहसास कराऊंगा जिस दर्द ने मेरे पिताजी की जान ले ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सचिन शिंदे ही पवन जी की मौत का जिम्मेदार है, लिहाजा ये अदालत सचिन शिंदे को उम्र कैद की सजा सुनाती है और टोनी को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सचिन मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीती होगी, किंतु एक अपराध का बदला लेने के लिए दूसरा अपराध करना यह उचित नहीं है। किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो याद करना। योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टर पाठक, थैंक यू वेरी मच सर। अरे टूने जी, एक छोटी सी बात थी कहनी थी आपसे। जानता हूं आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, किंतु गाड़ी कितनी भी विशेष हो, होता तो एक यंत्र ही है और किसी मनुष्य की तुलना में बहुत ही कम। अब मैं जानता हूं कि सचिन आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, किंतु आपकी गाड़ी की तुलना में उसका आत्मसम्मान कहीं ज्यादा महत्व रखता है। जरा प्रयास कीजिएगा कि उसे कारागार में कोई कष्ट ना हो। यस मिस्टर पाठक, मैंने रियलाइज किया है, थैंक यू। मजा क्या, मेरा आपका सब भगवान मालिक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।